Hello, good morning, India. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें wifistudy चैनल को और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल wifistudy में, इट्स पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और रेगुलर सुबह 5 बजे उठेंगे। डजंट मैटर सर्दी है, गर्मी है, कोई सा भी सीजन हो, कोई सा भी टाइम हो, अपना जो मोटिव है वो क्लियर रहना चाहिए कि हमें मेहनत करनी है। और सुबह 5 से लेकर अगर आप 9-10 बजे तक के रेगुलर अगर अपना ड्यूरेशन निकालते हैं, एक अच्छी सेटिंग निकालते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और इसके रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके से और अच्छे वीडियोस मिलते रहे। और अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का जो पहला क्वेश्चन था वो मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर देखेंगे, उसके बाद चलेंगे अपन आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य किस वर्ष शुरू करी गई थी? ठीक है, तो सौभाग्य योजना के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, जो कि हमने कल डिस्कस करी थी। तो दोस्तों, सौभाग्य जो है ये हर घर में बिजली ले जाने को लेकर है। और अभी मैंने आपको बोला था कि महाराष्ट्र ने भी अनाउंस कर दिया था कि उसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अचीव कर लिया है। और भारत के अंदर अभी ऐसा है कि 25 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन 100% अचीव कर लिया है। ठीक है, राजस्थान, आसाम और दो एक स्टेट और है जिन्होंने नहीं करा है, अदरवाइज सबने कर लिया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक एरिया के अंदर, गांव के अंदर, तो 10% जो बिजली है वो वहां तक पहुंच गई है, वहां के कम्युनिटी हॉल के अंदर और साथ में वहां के एरिया के अंदर। ठीक है, तो उसको अपन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इस योजना की शुरुआत जो है वो 2017 के अंदर करी गई थी। देखते हैं पहला सवाल आज का। निम्नलिखित में से किसे नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा आपको बताना है किसे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आंसर यहां पे क्या होगा दोस्तों, अर्जन कुमार सिकरी जी है जिनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा का बनाया गया है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नालसा की बात करें तो ये एक्चुअली ये अपने किस चीज को लेकर है, ये अपने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को लेकर है। ओके, तो जो कि 1995 में बनाई गई थी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा इसको बनाई गई थी। फ्री लीगल सर्विसेज जो है ना ये प्रोवाइड करती है एलिजिबल कैंडिडेट्स को या ऑर्गेनाइज कोई भी ऑर्गेनाइज को, जैसे कि लोक अदालत का जो मैटर है उसको लेकर, समझ रहे हो। तो ये इसीलिए नालसा बनाई गई थी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, समझ गए। इसके जो चीफ होते हैं ना वैसे वो अपने देश के CJI होते हैं, वैसे सेकेंड सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहां पे बनाया जाता है, इसलिए अर्जन कुमार जी को यहां पे बनाया गया है। समझ गए, लॉजिक भी समझ में आ गया होगा क्यों बनाए गए हैं, ये सब भी आपको बात ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 5 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में पदभार ग्रहण किया है, निम्नलिखित में से कौन उन देशों में शामिल नहीं है? तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसके बारे में यहां पर बात करी गई है। ठीक है, तो यहां पर 2 साल का इनका टेन्योर होता है। ठीक है, अभी ये तीनों इंक्लूडेड है, जो बोलीविया है ना वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, समझ गए, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं नॉन परमानेंट की बात करूं तो जैसे कि अभी मैं आपको नाम ही लिख देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि एक तो हो गया बेल्जियम,
ठीक है, बेल्जियम के अलावा एक डोमिनिकन रिपब्लिक भी इसका पार्ट है, डोमिनिकन रिपब्लिक। इसके अलावा गीनिया है, ठीक है, गीनिया के अलावा बात करें तो जर्मनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहां पे दो तो आपके सामने ही है, एक आवरी एवरी कोस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुवैत है, पेरू है, पोलैंड है, कुवैत, पेरू और पोलैंड, ओके। तो चार तीन और चार और तीन तो हो गए सात, ये आठ नौ और दस। तो ये बोलीवियर जो है ना वो इसका मेंबर नहीं, क्योंकि दस ही होते हैं एक्चुअली के अंदर, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। परमानेंट मेंबर भी आपको मालूम ही है, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएस और रशिया, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले परमानेंट मेंबर्स कौन बने थे दोस्तों? फ्रांस, यूके और यूएस 1945 के अंदर परमानेंट मेंबर बन गए थे। चाइना जो है वो 1971 में बना था और 1991 के अंदर यूएसएसआर को रिप्लेस करके रशिया बन गया था, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारी जानकारी। अगला, यहां पे यही मैंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए लिखी हुई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके छह प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो, जो कि देश में दुनिया में इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं, समझ गए। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग 2018 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को शीर्ष रैंकिंग मिली है? अभी दोस्तों देखिए, जो टेस्ट हो या फिर वनडे हो, नंबर वन एक ही आदमी है, वो कौन है? कोहली। तो सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं, ये देख सकते हो आप कोहली, ठीक है, और साथ में साउथ अफ्रीका के जो पेसर है रबांडा, ये दोनों अभी टॉप स्पॉट पे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग प्लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया और चाइना, ठीक है, ये सब मैंने बताया। तो इसमें जापान का कोई रोल नहीं है, भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी, ये सारे देश भी क्या चाहते हैं? परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बन नहीं पाए हैं। अगला सवाल, रबांडा जो कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पे है, वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? समझ गए, रबांडा पे सवाल आ सकता है क्योंकि अभी ये नंबर वन रैंकिंग पे, अभी 2018 इन्होंने खत्म किया है, तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, रबांडा को आपने देखा होगा कई बार। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में उज्ज्वल सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत करी है, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन से राज्य में उज्ज्वल सैनिटरी नैपकिन की पहल की शुरुआत करी है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर इसको किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल आपके पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, ये देख सकते हो आप, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने उज्ज्वल सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव जो है वो उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया, जिससे 2.25 करोड़ जो वुमेन है उनको एम्पावरमेंट मिलेगा और उनको मदद मिलेगी। ट्रेड यूनियन अधिनियम जो हाल ही में खबरों में था, किस वर्ष लागू किया गया था? तो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर बदलाव किए गए, सबसे पहले उसको 1926 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। पहली बार जो है वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर आया था, और 1946 के अंदर बॉम्बे इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट आया, उसके बाद में कई सारे आते गए, तो अभी रिसेंटली इसके अंदर बदलाव को लेकर बातचीत करी गई थी, इसलिए ये न्यूज के अंदर था। तो यह आपको बात ध्यान रखनी है। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक, देना बैंक के विलय को मंजूरी दी है, विजया बैंक का मुख्यालय कहां पर है, यह आपको बताना है। विजया बैंक का मुख्यालय कहां पर है, यह आपको बताना है। अभी तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये बैंक ऑफ बड़ौदा बन जाएंगे, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, लोगो जो है इसका बदल जाएगा तीनों। मुख्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा कहां पर है? बैंगलोर के अंदर है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैंगलुरु आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शंकर नारायण जी है जो कि सीईओ है, फाउंडर शेट्टी जी है विजया बैंक के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताना है। आपको मालूम है पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है, ठीक है, वो यहाँ पे वीर सावरकर रखा गया था, तो आपका आंसर पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। साथ में दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज ये है कि कल सैटरडे को या फिर संडे को, दो दिन में से एक दिन है दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं 1000 क्वेश्चन का करंट अफेयर सेशन, 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के 2018 के। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा और इसको शेयर करिएगा,
ठीक है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा दोस्तों इन क्वेश्चन में से आपको देश के सभी पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं ये सुबह 5 बजे दूंगा, मैं आपको या तो सैटरडे को दूंगा या संडे को दूंगा, ठीक है ना। तो और इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बातचीत नहीं करूंगा, 1000 क्वेश्चन होंगे, डिटेल में बात नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो है वो कम से कम 1.5-2 घंटे का वीडियो बनने वाला है, ठीक है, आपके बहुत काम आएगा। अगला सवाल देखते हैं। ओके, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पोर्टबेर एयरपोर्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर है, मेन एयरपोर्ट इसका यही है, ठीक है, जो कि विनायक दामोदर सावर जी के नाम के ऊपर रखा गया था। ओके, इंडियन पॉलिटिशियन थे, राइटर थे और काफी इन्होंने देश के लिए काम करे हैं। अगला सवाल, किस राज्य ने राज्य में कृषि संकट को दूर करने के लिए कृषक बंधु योजना की घोषणा करी है? कृषक बंधु योजना जो है वो किसके द्वारा शुरुआत करी गई है ये आपको बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषक बंधु योजना जल्दी से आंसर करिए, और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ममता बनर्जी ने इसको अनाउंस किया था और आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल ने नई स्कीम इंप्लीमेंट करी जिसमें 2 लाख कंपनसेशन जो है वो फार्मर्स की डेथ के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और ये योजना ममता बनर्जी के द्वारा करी गई है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ओके, और क्वेश्चन तो देखते हैं दोस्तों, जादू घोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है, जादू घोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आज का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस माइन के ऊपर में काफी कुछ इश्यू हुए थे, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। साथ में रेलवे के लिए जो आपका सीबीटी जो है उसके लिए आपको रेलवे बूस्टर आप ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको काफी मदद मिलेगी। 1500 क्वेश्चन 15 टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। 1-2 दिन के अंदर मैं आपके लिए सैटरडे संडे को आपके लिए 1000 करंट अफेयर का भी वीडियो लेके आऊंगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा सभी एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।